हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और सबसे बड़ी बात हेल्दी एंड बहुत अच्छे पॉजिटिव मूड में होंगे। मैम, आज आप क्यों आए हो? तो देखो, सबसे पहले वेरी 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 इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मुझे सबसे आप लोग को देनी है, और ये सही टाइम है ये अनाउंसमेंट देने के लिए। तो एक तो वो चीज़ें मुझे आपको बतानी है, उसके बाद अभी अभी एग्ज़ाम हुई है, तो एग्ज़ाम के बाद मैं नहीं चाहती कि आप एकदम से कंफर्ट जोन में आ जाओ। तो मुझे कुछ चीज़ें आपके लिए ये बतानी ही है कि ऑल दो एग्ज़ाम्स आर ओवर बट वी कांट बी इन अ कंफर्ट जोन। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आज 20 मिनट्स का डिस्कशन रखने वाले हैं। ऑलमोस्ट ये वीडियो 20 मिनट्स का होने वाला है, तो स्टे ट्यून विद द वीडियो टिल द एंड। क्यों? क्योंकि बहुत सारी आई नो एंड मैं श्योरिटी दे रही हूँ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ें हैं इसमें जो आपको पता चलने वाली है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ? सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कि अभी तो एग्ज़ाम हो गई, ठीक है। अभी क्या हो गया, एग्ज़ाम हो चुका है। एंड एग्ज़ाम होते से क्या होता है ना, हमारे मन में एक चीज़ आ जाती है। तीन तरह के लोग होंगे। कैसे तीन तरह के लोग? एक तो वो जिनका एग्ज़ाम रॉकिंग शॉकिंग गया है, मतलब पता है भैया कुछ भी हो जाए हम क्लियर होने वाले हैं, और ये पता चल जाता है, या आपको पता चल जाएगा जैसे ही आप एग्ज़ाम दोगे। आपको पता होगा कि आप किस तरह से लिख के आए हो, कॉन्फिडेंटली लिख के आए हो नहीं। देखो, एक लक फैक्टर है, आई नो हो सकता है, लेकिन फिर भी यार एक गट फीलिंग तो आई जाती है कि नहीं यार एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए, एंड दैट्स इट। तो बस वो लोगों को क्या करना है हम वो बात समझेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि जिसने बोथ ग्रुप दे दिया है उसके अगर सारे एग्ज़ाम्स अच्छे गए उसे क्या करना चाहिए, जिसका एक कोई ग्रुप अच्छा है एक ग्रुप अच्छा नहीं गया है, या फिर क्या हुआ है जिसने दिया ही एक ग्रुप था। और मोस्ट स्पेशल मोस्ट 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 एम्फेसिस मेरा जो यहाँ पे रहेगा, ओल्ड कोर स्टूडेंट जिन्होंने ऑप्ट आउट नहीं किया और अभी उनका पेपर या तो बिगड़ गया है डेलिमा में है, या फिर क्या है ऑल द पेपर अच्छा चला गया लेकिन फिर भी ऐसा है कि पता नहीं यार क्या होगा। एंड सबसे बड़ी चीज़ आई वुड लाइक टू से दिस, आई एम रियली 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 वेरी हैप्पी एंड आई विल अप्रिशिएट दिस थिंग, वो ओल्ड कोर्स के बच्चे जिन्होंने ऑप्ट आउट नहीं किया है, भले ही उन्हें 20 डेज मिले, 25 डेज मिले, 40 डेज मिले, सारे ज़माने के एक्सक्यूजेज उन्होंने छोड़ दिए और एक्सक्यूजेज छोड़ के एग्ज़ाम दे के आए। रिजल्ट क्या होगा मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता रिजल्ट क्या होगा, बट एक चीज़ तो फॉर श्योर है, लर्निंग तो आ चुकी है, लर्निंग तो आ चुकी है। और जो बच्चों ने एक्सक्यूजेस करके क्या किया है, ऑप्ट आउट कर लिया है ना, वो अपना वो चांस गवा के आ गए कि शायद हम एग्जिमिशन ला सकते थे, शायद हम पास हो सकते थे, शायद कुछ लर्निंग आ जाती, शायद कुछ सीख लेते, वो सब कुछ वो छोड़ के आ चुके हैं। देखो, आई नो आपके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम पास होंगे या नहीं होंगे, आप ऑप्ट आउट करने की सोचते हो, पर वो सोचो ना, अगर ये ऑप्ट आउट ऑप्शन होता ही नहीं तो आप जान लगाते करते ही, तब अभी एग्ज़ाम छोड़ते क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं हुआ तो कम से कम एग्ज़ाम देखे तो आए, देखे तो सही। पर ये ऑप्ट आउट ऑप्शन को तो आपने मैदान छोड़ने का एक क्या समझ लिया, ऑप्शन समझ लिया कि मैदान छोड़ के हम क्या कर देंगे, निकल जाएंगे। तो ये तो गलत था, डेफिनेटली 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 ये गलत था। आपने अगर इसे सिर्फ इसलिए यूटिलाइज कर लिया क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की, हाँ कुछ लोगों का जेन्युइन रीज़न होगा, आई दिल से जहाँ जेन्युइन रीज़न है, जिनके पेरेंट्स की तबीयत खराब है, घर में कोई किसी की तबीयत खराब है, किसी की खुद की तबीयत खराब है, ओके आई एग्री की ठीक है वो वहाँ पे बिल्कुल सही है, उन्होंने ऑप्ट आउट करके समझदारी की है। बट जिसने यूटिलाइज किया है इस ऑप्शन को, तो आपने खुद के पैरों पे एक कुल्हाड़ी मारी है। हाँ, उस वक्त तो जोश लगता है कि अब इतना पढ़ेंगे इतनी मेहनत करेंगे। तो एक चीज़ बताओ, वो बच्चे जिन्होंने आपने दिसंबर के टाइम ऑप्ट आउट किया था, क्या जनवरी में बहुत जोश से पढ़ लिया था, या फिर जनवरी के टाइम आपने क्या किया था, दिसंबर के टाइम डायरेक्ट यहाँ पे आ गए थे आप मई के लिए, क्या एक्चुअल में बहुत कुछ आपने मिराक्युलस कर लिया है ना? कुछ लोगों ने क्या होगा, बाकी लोग वही ट्रैक पे चल रहे थे, वही ट्रैक पे। तो आई विल अप्रिशिएट ऑल दो स्टूडेंट हु हैव नॉट ऑप्टेड आउट बिकॉज ऑफ अननेसेसरी एक्सक्यूजेस, ठीक है, पहली चीज़। अब मैं उन बच्चों के पहले मैं बात कर लूँ जिन लोग का अगर क्या है, फर्स्ट ग्रुप बहुत अच्छा चला गया है, कोई बात अच्छी बात हो गई, बहुत अच्छी बात हो गई, अभी सेकंड ग्रुप देना है, सिर्फ 5 दिन एंजॉय कर लो जीवन में, जितना एंजॉय करना है 5 दिन का एंजॉयमेंट कर लो और सेकंड ग्रुप पे लग जाओ। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो न्यू कोर्स वाले,
जस्ट आप क्या करो, सेकेंड ग्रुप पे लग जाओ, एकदम डेफिनेटली लग जाओ 5 दिन बाद, क्योंकि अब आप सोचो कि नवंबर की एग्जाम पोस्टपोन होगी या फिर से दिसंबर जनवरी तक कुछ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टपोनमेंट हो कि सिर्फ दिसंबर तक जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जो लोग न्यू कोर्स में हैं, जिनका ऑलरेडी फर्स्ट ग्रुप अच्छा जा चुका है, 5 दिन अच्छे से रेस्ट लो, जो करना है करो, लेकिन 5 दिन बाद एटलीस्ट दिन के 3 घंटे तुम्हें एक सब्जेक्ट को देना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि ये जो लिंक अभी बनी है, ये जो पढ़ाई का टेम्पो बना है, उसे आप लूज ना कर दो, ठीक है। अब न्यू कोर्स के लिए या फिर ओल्ड कोर्स वाले सब के लिए एक चीज़ मैं बता दूँ, मैंने स्टार्ट की थी पिछले अटेम्प्ट में, मतलब ये जो आपका अभी निकला है, मैंने एग्जेम्पशन बैचेस स्टार्ट की थी, एंड नो डाउट उसका जो मुझे फीडबैक मिला है, दैट वॉज वेरी 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 गुड, एंड एक्चुअली बच्चों को समझ में आया है कि दे वर टेकिंग शॉर्टकट फॉर देयर स्टडीज़। वो अपनी स्टडीज़ के लिए क्या ले रहे थे, शॉर्टकट ले रहे थे। शॉर्टकट लेने से मतलब यह है कि देखो, सीधी सी बात है, आप क्या करते हो, एंड टाइम पे लेक्चर सुनना स्टार्ट करते हो, फुल कोर्स लेक्चर्स, रिविज़न लेक्चर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ रिविज़न लेक्चर सुनना गलत बात है, पर पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए अगर आप रिविज़न लेक्चर सुन रहे हो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने आपके दिमाग को चलाने का मौका ही नहीं दिया, उसको शार्प होने का मौका ही नहीं दिया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेने का मौका ही नहीं दिया, सिर्फ एक वीडियो उठाया, सुना और क्वेश्चंस करना या फिर क्या करना चालू कर दिया, आपने सिर्फ समझ लिया रिविज़न लेक्चर से हमारे पूरे सीए की पढ़ाई हो सकती है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये एक शॉर्टकट है जो आप लेते जा रहे हो। मैंने जिन बच्चों को एग्जेम्पशन बैचेस में पढ़ाया है, आई कैन बेट यू आपको उनके फीडबैक भी मिलेंगे, एंड दे हैव सेड, और सबसे पहली चीज़, मेरी क्लासेस जो है जूम की क्लासेस टारगेट ओनली 20 स्टूडेंट्स, 20 से ज़्यादा नहीं होते, कभी भी क्या नहीं होते, 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मैं नहीं प्रेफर करती हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन पर्सनल अटेंशन। आपने वो Super 30 मूवी तो देखी होगी ना, तो वही है यहाँ पे, वहाँ 30 थे, यहाँ मुझे 20 चाहिए, 20 स्टूडेंट्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ 20 स्टूडेंट्स होंगे, और उसमें मैंने, इस वक्त हमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर कम पड़ गया था क्योंकि नोटिफिकेशन एकदम से आ गया था, तो वहाँ पे मैं रिटर्न प्रैक्टिस क्वेश्चंस की नहीं करवा पाई थी। रिटर्न प्रैक्टिस किसकी बोल रही हूँ मैं, DT IDT की बोल रही हूँ, अदरवाइज AMA की भी क्लास ली थी मैंने, और AMA की क्लास विद टाइम मैनेजमेंट, हर क्वेश्चन के लिए टाइमर लगा था, टाइमर लगा के उन बच्चों को सॉल्यूशन तक देखने नहीं दिया था, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया था और उन्हें कहा था अब आप सॉल्यूशन करो, एंड दे वर एबल टू क्रैक दिस थिंग। जहाँ जहाँ हमने शीट बनाई थी कि इस क्वेश्चन को इतना इतना टाइम लग गया, आपको नेक्स्ट वाले जब नेक्स्ट रिविज़न करोगे तो इसका बेंचमार्क ये होगा, इतने टाइम में आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी होगी, एंड लिटरली आई हैव डिड दिस, एंड वो सारे स्टूडेंट्स ने कोऑपरेट किया है, उन्होंने एडजस्टमेंट शीट बनाई थी, बहुत सारी चीज़ें हमारी उस क्लास में हुई थी। एग्जेम्पशन बैच इज नॉट लाइक अ बैच जो आपकी नॉर्मल बैचेस होती हैं, जिसमें आपको पढ़ा दिया जाता है फिर आपको क्वेश्चंस आपके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं, नहीं, यहाँ पे पूरा फोकस मेरा ये है कि आपको लिखते आना चाहिए, किसी प्रोफेशनल टर्म्स में लिखना आना चाहिए, ताकि आपकी कॉपी जब कोई पढ़ रहा हो तो उसे समझ में आए कि हाँ, कुछ भारी अक्षर लिखे हुए हैं, कुछ अच्छा लिखा हुआ है, द पर्सन हैज़ रिटन इन प्रोफेशनल लैंग्वेज, वट एवर द आंसर शुड हैव टू बी गिवन, इट शुड हैव यू नो वेटेज, योर आंसर शुड हैव वेटेज, और वो वेटेज देने की पूरी कोशिश की है। वट एवर मिस्टेक यू डू इन AMA, क्या क्या मिस्टेक कर सकते हो, क्या वर्ड की ट्विस्टिंग होती है, DT में वर्ड की ट्विस्टिंग कहाँ होती है, DT द स्टूडेंट्स, आई वुड से द स्टूडेंट्स हैव लर्न्ड, उन्हें समझ में आया कि DT भी 1.5 डेज में रिवाइज किया जा सकता है। DT का ऑलमोस्ट जो चैप्टर्स हमने किए हैं, एटलीस्ट कुछ लास्ट के चैप्टर्स मैं खुद ही बता रही हूँ क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था, तो हम बहुत ज़्यादा रिविज़न नहीं कर पाए, उन्हें भी रिवाइज किया है, लेकिन जो इनिशियली हमारे सारे चैप्टर्स चल रहे थे, कम से कम 7 से 8 बार रिविज़न इन 45 डेज में हुआ है, अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस। So why I am telling you all these things, because you all are going on a wrong track if you are following only revision lectures। आप अपने दिमाग को मौका दो, उसे चलने का मौका दो, उसे गलतियाँ करने का मौका दो, क्योंकि गलती करके सीखोगे, अदरवाइज ये शॉर्टकट भारी पड़ेगा। So all those who want to join my classes for DT, for IDT, and I am coming with law.
लॉ में मैं आपको कैसे करवाने वाली हूँ, मैं अभी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये सारी क्लासेस 1st of August से स्टार्ट होगी, लेकिन ये जो 1st of August से स्टार्ट होने वाली क्लासेस, उसके पहले आपको क्या करना होगा, 7999709236 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आपको इंक्वायरी पोस्ट करनी होगी, वट एवर DT, IDT या लॉ के लिए आप इंक्वायरी करना चाहते हो। उसके बाद आपको एक वीकनेस फॉर्म मिलेगा, वीकनेस फॉर्म मतलब उसमें आपके आपसे मुझे जो जो आपसे रिलेटेड चाहिए, लाइक आपकी वीकनेस क्या है, सब्जेक्ट में क्या दिक्कत आती है, लर्निंग में दिक्कत है, या फिर जो भी आपका वीक पॉइंट है वो सारे मैं इकट्ठा करूँगी आपसे। उसके बाद ये जो टेन्योर है 1 अगस्त से स्टार्ट होगी बैचेस, एंड दिस टेन्योर व्हाट आई एम हैविंग इन बिटवीन एंड वॉट एवर क्वेरी आई विल बी गेटिंग आई विल यूटिलाइज दैट टू डिज़ाइन द कोर्स फॉर यू। लाइक किसी बच्चे को प्रोविजन क्रैक करने में दिक्कत आती है, या फिर किसी बच्चे को क्वेश्चंस नहीं समझ में आता, किसी को प्रेजेंटेशन समझ नहीं आता, सिली मिस्टेक्स होती है, वॉट एवर टाइम लगता है, हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाते, एन नंबर ऑफ वीकनेसेस आर देयर अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, एंड आई विल बी यूटिलाइजिंग दैट पॉइंट्स दैट यू हैव फील्ड इन योर वीकनेस फॉर्म, एंड अकॉर्डिंगली दिस बैच विल बी डिज़ाइन फॉर दो स्टूडेंट। जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं DT, IDT, लॉ, तीनों के लिए आपको क्या मिलेगा, फॉर्म मिलेगा, एक सिंगल फॉर्म है जो आपको भरना है, वीकनेस फॉर्म, जिसमें आप आपके सब्जेक्ट वाइज वीकनेस बता के रखोगे, ताकि स्ट्रेंथ जो है, मुझे स्ट्रेंथ पे आपको फोकस नहीं करवाना, मुझे ये मेरा टारगेट है कि जो आपकी वीकनेस है, मुझे आपकी वीकनेस को क्या करना है, आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, एंड आई विल डू दैट इन दिस 45 डेज। फिर बात आती है जैसे लॉ की, लॉ में तो आजकल इंटरलिंकेज चल रहा है, प्रोसीजर भी चल रही है, क्या करें, कैसे करें, कितना याद रखें, इकोनॉमिक लॉ भी आता है, ये हमारा इधर कंपनी लॉ भी है, कैसे सेक्शन याद रखने, नहीं याद रखने, इंटरलिंकिंग कैसे आ सकती है, हम विद क्वेश्चंस लॉ पूरा रिवाइज करेंगे, हम विद क्वेश्चंस क्या करेंगे, लॉ पूरा रिवाइज करेंगे। लेकिन जिन बच्चों के इनिशियली क्वेरी आएगी, मतलब ये समझ लो आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स रहेंगे वही लॉ की क्लास में रह पाएंगे, वही DT की क्लास में, IDT की, बिकॉज आई वुड प्रेफर कि 20 से ज़्यादा इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि पर्सनल अटेंशन में नहीं दे पाऊँगी, 20 इज ओके, मेरा मॉनिटरी टर्म नहीं है, मुझे बिजनेस पर्पज़ के लिए ये नहीं करना है, आई वॉन्ट कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम होने चाहिए CA स्टूडेंट्स के, आई वॉन्ट कि एक्चुअल वे ऑफ स्टडीज वो लोग सीखे, तो वहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम होने चाहिए। तो आपको ये समझना होगा कि फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स ही क्लास में रह पाएंगे, ऑल दो मुझे मना करना पड़ा, या फिर ट्राई कर सकती हूँ मैं कि एक और बैच बना लूँ अगर मेरा टाइम परमिट करेगा तो, अगर टाइम परमिट नहीं किया तो आई एम सॉरी, आप मेरी बैचेस में नहीं आ पाओगे। इसीलिए जिन जिन लोगों को लग रहा है, एक्चुअल में सुन के भी समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ डिफरेंट है, आप जो आंसर्स लिखोगे मैं चेक करूँगी, क्रॉस चेकिंग क्लास में भी चलेगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने एग्जामिनेशन बैच में की थी जिससे बच्चों को एक दूसरे की मिस्टेक से भी सीखने को मिला था, दे हैव लर्न फ्रॉम ईच अदर्स मिस्टेक ऑल्सो, सो ऑल दोज थिंग्स विल बी कवर्ड इन माई क्लास, दिस वुड बी लाइव क्लासेज विथ मी, लाइव क्लासेज मीन्स जूम लाइव क्लासेज आई विल बी टेकिंग, सो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू इंटरेक्ट विथ मी, और स्ट्रिक्टली एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ये मैं अभी बता रही हूँ। लाइक हम लोग जब फ्रेम करते हैं ना, अलग अलग तरह के डाउट फ्रेम करना चालू कर देते हैं, अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा हो जाता तो, हम सब ऐसा वैसा सब प्रोबेबिलिटी करेंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि अभी जो फोकस है एग्जाम को, यहाँ पे प्रोविजंस को क्लैरिटी के साथ क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग एग्ज़ाम कंडीशन में एक आपका फुल आपकी एग्ज़ाम भी होगी मेरे साथ, हर सब्जेक्ट के बाद आपका मेरे साथ एक टेस्ट भी होगा, एंड अलॉन्ग विद दैट जब जब हमारे क्या हो जाएंगे, चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, क्यूमुलेटिव रिविज़न वो मैं कैसे करवाती हूँ वो आपको तभी समझ में आ जाएगा। उसके बाद सैटरडे या संडे एक दिन ऐसा होगा जहाँ पे फुल रिविज़न भी चलेगा हमारा, आफ्टर योर बैचेस, यस आफ्टर योर बैचेस, जैसे आपकी बैच खत्म हो गई तो आपको ऐसे छोड़ नहीं देना है, लॉ सब्जेक्ट हो, DT को छोड़ नहीं देंगे, IDT को छोड़ नहीं देंगे, आफ्टर या जैसे हमारा एग्ज़ाम हो जाता है, आपका बैच खत्म हो जाता है, तो लॉ तो आपका चलेगा ही चलेगा, कैसे हर सैटरडे या फिर एक संडे हम लेंगे और लॉ का क्या करेंगे, रिविज़न करेंगे, आफ्टर बैचेस बोल रहे हो, ताकि आपका वो छूट ना जाए, ठीक है, आप दूसरा जो पढ़ रहे पढ़ते रहना, आपका वो सब्जेक्ट रहेगा। अब DT IDT के कैसे रहेगा, DT IDT के आपके एटलीस्ट 3 रिविज़न मेरे साथ होंगे आफ्टर बैच,
आफ्टर बैच क्यों, क्योंकि DT IDT में आपको क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा करवा चुकी होंगी, उसके क्वेश्चंस का भी रिवीजन करवा चुकी होंगी, तो मैं एक शेड्यूलिंग रखूँगी जिसके हिसाब से आपका क्या है DT and IDT का 3 बार रिवीजन आफ्टर द बैच भी होगा. सिमिलरली लॉ का भी रिवीजन 3 या 4 बार आफ्टर दी क्या होगा बैच होगा. लॉ का ज़्यादा क्यों, क्योंकि फोबिया लॉ का ज़्यादा है फर्स्ट ग्रुप. एक बार IDT मैनेजेबल होता है बच्चों के लिए, DT फिर भी उनको लगता है मैनेजेबल है, बट लॉ मैनेजेबल नहीं लगता, इसलिए उसके नंबर ऑफ मैंने रिवीजन क्या रखने की कोशिश की है, ज़्यादा रखने की कोशिश की है. दिस वुड बी एवरीथिंग. बट हाँ, मेरे लिए मैं आपको ये बता दूँ, आई वुड नॉट बी पोस्टिंग रिविज़न वीडियोज़. मैं रिविज़न वीडियोज़ पोस्ट करने में बिलीव ज़्यादा इसलिए नहीं करती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट, पहले गलतियाँ करो, सीखो, और जब आपको सब कुछ याद हो जाए, सब कुछ समझ में आ जाए, तब किसी के रिविज़न लेक्चर सुनो, तब वो एक्चुअल में रिविज़न होता है, वो एक्चुअल में होता है. नहीं तो अगर आप फर्स्ट टाइम में अगर रिविज़न लेक्चर सुन के चीज़ें क्रैक कर रहे हो ना, मगिंग अप है वो, मग अप कर रहे हो तुम और अपने साथ चीटिंग कर रहे हो. क्योंकि जब एग्जाम में ट्विस्ट एंड टर्न होकर चीज़ें आती हैं, तब पता है क्या होता है, जब ये एग्जाम में ट्विस्ट एंड टर्न होकर चीज़ें आ गई ना, तब लगता है अरे यार हमने प्रिपरेशन ढंग से नहीं की, हमसे तो हो नहीं पाएगा. सेल्फ डाउट में आते हो, फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आते तो लगता है हमसे क्यों नहीं हो रहा, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 10-10 घंटे कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हो सही ट्रैक पे, तो मेहनत कर लो बॉस, मेहनत कर रहे हो ना, तो सही ट्रैक पे जाके मेहनत करो. तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी. मैंने आज इसलिए ये इतना लंबा वीडियो बन गया क्योंकि मुझे ये चीज़ें बतानी है. ये आई एम कमिंग विद सच काइंड ऑफ थिंग्स. ऑलरेडी एक बैच अच्छी निकल चुकी है, स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला है, AMA का फोबिया निकला है, अब AMA नहीं रहा है, तो यहाँ पे एटलीस्ट आपके पास DT IDT एंड लॉ है. लॉ के बाद मेरा ऑडिट भी स्टार्ट होगा, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए ऑडिट स्टार्ट होगा जो लॉ में परफेक्शन ला चुके हैं. लॉ के क्योंकि ना ऑडिट में ना इंटरलिंकेज लॉ की भी आती है, तो आपको ऑडिट तब बहुत 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 मज़ेदार तरीके से तब समझ में आएगा जब लॉ भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा, उसके इंटरप्रिटेशन भी आ चुके होंगे, उसके इंटरप्रिटेशन को फिर मैं आपको लिंक करना सिखाऊंगी ऑडिट से. तो दिस वुड बी एक्चुअल लर्निंग, नॉट मगअप. नो, आई हेट दिस वर्ड मगअप. एक्चुअल लर्निंग, एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग वी विल बी फोकसिंग ऑन. तो जिनको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो अलग है बैचेस में, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन पुट अ क्वेरी ऑन 7999709236. आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दो. व्हाट्सअप के थ्रू आपको वो फॉर्म मिल जाएगा, वीकनेस पॉइंट फॉर्म, उसको आपको फिलअप करना है. उसके बाद हम लोग एनालाइज कर लेंगे कि किन किन बच्चों की क्या क्या वीकनेस है, उन सबको कंपाइल करके आपके कोर्स को किस तरह से मुझे कंप्लीट करवाना है, आपको किस तरह से समझाना है. जिसने पहली बार भी अगर DT पढ़ना स्टार्ट किया होगा, IDT पढ़ना भी स्टार्ट किया होगा, लॉ पहली बार पढ़ना स्टार्ट किया होगा, उसको 102% बेनिफिट होगा. ये ऐसा नहीं है कि एग्जेम्पशन बैच है तो मैं बस बोल बोल के निकल जाऊंगी. नहीं, मैंने हर चीज़ का पिछली बार भी जो बैचेस हुई हैं उसमें पूरा क्लैरिटी दी है, कॉन्सेप्ट समझाया, तो इस बार भी वही होने वाला है. सो डोंट वरी कि इतना कम टाइम है, ऐसा है वैसे नहीं, आप लोग रिग्रेट नहीं करोगे क्लासेस ज्वाइन करने के बाद, दैट इज़ माई अश्योरिटी टू यू. तो इसीलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा एक बड़ा सा वीडियो था. एक तो ये कि जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ भैया हमारे पेपर बहुत अच्छे चले गए हैं, उन लोगों को अब क्या करना है, उन लोगों को अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव करनी है, इंग्लिश थोड़ा इम्प्रूव करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं देखो काम आती है. ऑल दो वी आर इंडियंस, लेकिन जहाँ आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलते हो ना, आपका वजन थोड़ा और ही क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है. मतलब जिन लोगों ने बोध ग्रुप दे दिया है, ठीक है, उनको अब एग्ज़ाम आगे लग रहा है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, तो उनको क्या करना है, एक तो अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, दूसरा वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं. आप DT की फील्ड में जा रहे हो, IDT की फील्ड में जा रहे हो, ऑडिट की फील्ड में जा रहे हो, वॉट एवर फील्ड यू हैव थिंक कि आपको इधर जाना है, उसके बेसिक्स को अभी क्या करो, अभी पढ़ना चालू कर देना. 5-6 दिन के बाद एक आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, उसके बाद पढ़ना चालू करना, जिससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा क्या, आप इस बेस से कनेक्टेड रहोगे. क्योंकि इंटरव्यू के 2 दिन पहले नहीं पढ़ना है हमको, हमको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए. इंटरव्यू इतना अच्छा जाना चाहिए कि हम बोल पाएँ कि आप 7 लाख का पैकेज दे रहे हो ना, हमको 11 लाख का पैकेज चाहिए. और ऐसा होता है, बिलीव मी, अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है, आपका नॉलेज एंड स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो आप नेगोसिएशन कर सकते हो. दूसरा, जो ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी सेकेंड ग्रुप दिया है और उन्हें डिलेमा लग रहा है, तो देखो मैं तो क्लियरली बोल रही हूँ, 5 दिन के ब्रेक के बाद फिर से पढ़ना चालू कर देना. क्योंकि ओल्ड कोर्स वालों को क्या होने वाला है ना, जिन लोगों को फर्स्ट ग्रुप देना बचा है, जिनको फिर से सेकेंड ग्रुप देने की नौबत आ सकती है, तो उनको SCPME भी पढ़ना है, उनको एक इलेक्टिव पेपर भी पढ़ना है.
तो उन लोगों को अपना टाइम थोड़ा सेव करके चलना होगा. 5 दिन का ब्रेक लो, ब्रेक लेने के बाद DT IDT वापस उठा लो. चाहो तो मेरी क्लास ज्वाइन करना ज्वाइन कर लो, तुम्हारी इच्छा है. फीस आर वेरी रीजनेबल, बहुत रीजनेबल फीस है, कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स फीस नहीं है यहाँ पे. वहाँ पे अगर आपने क्या किया, DT IDT आपका फ्लो में चलता रहेगा, उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आया और पता चला कि हाँ बैड लक है हमारा या फिर हमसे ही गलतियाँ हुई थी, हम नहीं क्लियर कर पाए, तो एटलीस्ट क्या होगा, DT IDT आपका ख़त्म रहेगा. आपको इलेक्टिव और SCPME पे फोकस करना होगा अगर एक ग्रुप पे जा रहे हो तो. और अगर क्या हो रहा है, जिसको फर्स्ट ग्रुप करना है तो उसको वैसे भी पता है कि अब आगे जाके अगर बोथ ग्रुप देना है तो उसके लिए तो वैसे भी टाइम नहीं है. 5 दिन बाद फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दो और तब तक मेहनत करो जब तक नाम के आगे प्रीफिक्स नहीं लग जाए CA. वो प्रीफिक्स जब तक नहीं लग जाए चैन नहीं आनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए. बार बार ट्राई करेंगे लेकिन अगर इस कोर्स में आए हैं तो CA बन के ही निकलेंगे, अदरवाइज हम नहीं चैन लेंगे. इतना टफ कोर्स नहीं है, ये कोई IAS का कोर्स नहीं है. यहाँ पे ऐसा कोर्स नहीं है कि जिसमें आपको स्ट्रक्चरिंग ना पता हो कि आपका कोर्स कहाँ से आने वाला है. आपने अपने दिमाग में खौवा क्रिएट करके रखा कि वी आर डूइंग CA, हम CA कर रहे. अरे दिमाग ने बना के रखा है उसको, ऐसा नहीं. मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि किस तरह से एक्चुअल में आपको प्रिपरेशन फेज में अपने दिमाग को क्या प्रिपेयर करना है. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट किताबी ज्ञान, आपके मेंटल स्ट्रेस को कैसे आपको कंट्रोल में रखना है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, आपके मेंटल स्टेज क्या होनी चाहिए, क्या सोच के आपको पढ़ाई करनी है, क्या मार्क्स के हिसाब से पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें. इट्स नॉट ओनली क्लासेस फॉर योर बींग स्टूडियस, इट इज़ क्लास फॉर कंट्रोलिंग योर मेंटल एबिलिटी ऑल्सो एंड एनहैंसिंग इट ऑल्सो. सो डू कनेक्ट विथ मी ऑन व्हाट्सअप 7999709236. आपका हो गया है, आपको लग रहा है कि कोई ऐसा फ्रेंड है जो बहुत टाइम से स्टक्ड है, शायद उसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आई नीड योर हेल्प लिटरली, बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी फेमस टीचर, मैं कोई बहुत फेमस टीचर नहीं हूँ. तो अभी आपकी हेल्प चाहिए मुझे. जिन लोगों ने मेरे वीडियोज़ देखे होंगे, पर्सनल ट्यूटर पे देखा होगा, स्टडी मेड इजी पे, वहाँ पे मैंने फ्री लेक्चर्स भी बहुत डिटेल में ही प्रोवाइड किए हैं, कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. सो दिस इज़ द टाइम आई वॉन्ट योर हेल्प कि आप लोग, अगर आपको लग रहा है कि हमारा तो हो चुका है, हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं, बट आपको लग रहा है आपके किसी फ्रेंड को इसकी ज़रूरत हो सकती है, उसको बेनिफिट मिल सकता है, सो डू शेयर विद योर फ्रेंड, प्लीज़ शेयर करो. ताकि मैं ये जो एक एम लेके चल रही हूँ ना, माय एम इज़ कि एक्चुअल स्टडीज़ क्या होती है वो वापस बच्चों को समझ में आनी चाहिए. आई डोंट प्रेफर कि आप डायरेक्टली जाके एक शॉर्टकट करो, ये लेक्चर देखा, वो लेक्चर देखा, ये ABC एनालिसिस वो देख रहे, नहीं यार. अरे कोई भी बता सकता है ABC एनालिसिस, मैं भी बता सकती हूँ आपको, मैं भी बता सकती हूँ ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, बट एक चीज़ बताओ, नंबर ऑफ चैप्टर्स तो वही हैं. उसमें से मुझे पता है कि अगर लॉ में डायरेक्टर आना है तो डायरेक्टर ही आना है, वही ABC होता है. पर अभी इंस्टीट्यूट का मैं तुम्हें बताऊँ कैसा चल रहा है. अगर तुमने कोई एक चैप्टर छोड़ दिया, सपोज करो DT में डिमांड एंड रिकवरी छोड़ दिया तुमने, इस अटेम्प्ट में डिमांड एंड रिकवरी MCQ में भी पूछा, इस अटेम्प्ट में डिमांड एंड रिकवरी उन्होंने 70 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चन में भी पूछ लिया, अगर तुम वो चैप्टर छोड़ गए तो इधर से भी गए उधर से भी गए. पहले ऐसा हो जाता था कि जो चैप्टर्स इधर 70 मार्क्स में कवर नहीं हो पा रहे, हम कम से कम MCQ में प्रोविजन पढ़ के टिक करके आ पाते थे. नहीं, अब चैप्टर छोड़ने की गलती नहीं कर सकते हम. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको चीज़ों को समझना होगा. डोंट रिलाई ऑन शॉर्टकट्स, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बोलना चाह रही हूँ, बट इतना है कि कई बच्चे शॉर्टकट पे बिलीव करके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बिलीव करके एक अटेम्प्ट गवा देते हैं. ICAI भी वीडियोस देखता है, उन्हें भी पता है कि क्या इम्पॉर्टेंट बताए जाते हैं क्या नहीं बताए जाते. तुम्हें क्या लगता है वहाँ तक वीडियोस पहुँचते नहीं हैं? ICAI अपने लेवल को कभी इतना डाउन करने नहीं देगा, ये बात हमेशा याद रखना. कभी भी ICAI अपने लेवल को इतना डाउन नहीं करने देगा. समझो रियलिटी को, फैक्ट को समझो कि ऑब्वियसली ABC हमेशा वही रहता है. क्वेश्चंस इधर उधर शफल हो गए और उसके बाद बोल दे कि हमारे हिसाब से आए, ऐसा नहीं होता है. आई विल नेवर प्रिफर ABC एनालिसिस, मैं कभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि आप CA की फील्ड में हो, आप 10th क्लास में नहीं हो, आप 12th क्लास में नहीं हो, आप 8th क्लास के बच्चे नहीं हो, जहाँ पे आपको जीनियस पेपर, गैस पेपर या फिर आपको किसी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ जाए. हाँ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकते हैं ये समझ सकते हैं हम, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़ो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यही पढ़ो, ये छोड़ के चले जाओ, ये ऐसा मत करो. इंस्टीट्यूट कभी भी पलट जाएगा, पास्ट एक्सपीरियंस रिपीट नहीं होते. और अभी अभी MCQs में देख लिया है, DT में पेनल्टी अगर MCQs में भी पूछा है ना,
तो ओल्ड कोर्स में डीटी इधर, पेनल्टी इधर, उन्होंने 70 मार्क्स में भी पूछा, बच्चों के 12 से 15 नंबर गए हैं अगर उन्होंने एक टॉपिक छोड़ा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। डिमांड एंड रिकवरी, जिसने आईडीटी में छोड़ दिया वो इधर से भी गया, इधर से भी गया। सो डोंट थिंक कि हाँ कोई भी आके आपको बता देगा यही श्योरिटी, कोई श्योरिटी नहीं है। एंड मैं तो बोलूँ, मेरी क्लासेस आप ज्वाइन करोगे, मैं आपको पढ़ने का 100% तरीका सिखा सकती हूँ, मैं उसकी 101% श्योरिटी ले सकती हूँ, पर मैं 1% भी ये श्योरिटी नहीं लूँगी कि मैं आपको पास करवाऊँगी। मैं आपको इम्पॉर्टेंट दे दूँगी, मैं आपको तरीका बता सकती हूँ, प्रिपरेशन का तरीका बता सकती हूँ, मैं ये बता सकती हूँ कैसे चीज़ों को क्रैक किया जाता है, मैं सारे प्रिपरेशन लेवल पर आपको खड़ा कर सकती हूँ। लेकिन मैं आपको 3 घंटे मैनेज करना सिखा सकती हूँ, लिखना सिखा सकती हूँ, सब सिखा सकती हूँ, पर रिजल्ट की एश्योरिटी तो यहाँ पे कोई भी नहीं ले सकता। और ये एक फैक्ट है, शायद ये मेरे लिए नेगेटिव सेंटेंस भी प्रूफ हो जाए कि मैम ऐसा कैसे बोल रहे हो, अगर आप इतना पढ़ा रहे हो और यही नहीं बोल रहे हो कि आप 100% पास करा दोगे। वहाँ का रिजल्ट में जो चेकिंग होती है ना, चेकिंग की श्योरिटी कोई नहीं ले सकता। मैं मेरी तैयारी की श्योरिटी ले सकती हूँ, तो मैं उनको अच्छे से तैयार करवाऊँगी, बुक खोले बिना एक एक सेक्शन रिवाइज कर लोगे। पर ऑब्वियस है, मैं वहाँ के चेकर की कोई भी गारंटी नहीं ले सकती। पेपर कैसा इस बार आ जाएगा, एकदम से क्या फ्लक्चुएशन हो जाएगा, मैं गारंटी नहीं ले सकती। एंड ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है, मेरे लिए ऑनेस्ट रिव्यू है ये, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मिली इसलिए था क्योंकि ऐसी बैचेस आपको ज्वाइन करोगे समझ में आएगा। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है दूसरों को दो, उन्हें हो सकता है यूज़फुल लगे, क्योंकि कई बच्चे पिछले अटैम्प्ट में बहुत लेट उन्हें पता चला, फिर उनकी रिकवरी ली मैंने, बहुत सारे बच्चों की रिकवरी ली। तो रिकवरी में क्या होता है ना, उनके वो एन नंबर ऑफ रिविज़न तो बहुत सारे छूट गए ना, इसलिए टाइम पे 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग क्या है, फीस क्या है, सब कुछ आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। फिर से बता रही हूँ, ओनली 20 स्टूडेंट्स फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे रहने वाले हैं। 20 से ज़्यादा मैं बिलीव नहीं करती हूँ। हाँ मतलब ऑब्वियसली कि 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो मैं नहीं, मुझे लगता है कि पर्सनल अटेंशन बच्चों पे बहुत अच्छा जा सकता है। तो जिन लोगों को प्रिपेयर होना है बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर होना है, सो डू प्लेस अ क्वेरी 7999709236। ओके, तो आए हैं इस कोर्स में, सीए बनके ही निकलेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, इट वाज अ लिटिल बिट लॉन्गर वीडियो बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके चलो बाय बाय।